हेलो जी दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के संबंध में बेहद इंपॉर्टेंट खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं, जिसका अंदेशा था हुआ वही, यानी पीसीए 2021 मेंस एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, उससे बड़ी खबर ये आ रही है कि 2022 एग्जाम कैलेंडर को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपीपीएससी के द्वारा। जी हाँ, हालिया भी खबर है ये। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खबर जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के साथ साथ लोक सेवा आयोग आरआरबी एनटीपीसी एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पूर्ति बोर्ड के संबंध में हो, उत्तर प्रदेश के युवाओं के संबंध में हो, सबसे पहले आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई चल के माध्यम से पहुँचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बढ़ते खबर में आगे, देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब यहाँ से पहले हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे पीसीएस को लेकर के। आप देख सकते हैं 19 जनवरी की नोटिस है, सम्मिलित राज्य परिवार अधीनस्थ सेवा समान चयन मुख्य परीक्षा 2021 जो दिनांक 28 जनवरी से 31 जनवरी तक संपन्न होनी थी, के संबंध में अभ्यर्थियों को इत्यादि द्वारा सूचित किया जाता है कि कोविड यानी ओमिक्रॉन महामारी के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत उक्त लिखित परीक्षा अब 23 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित की जाएगी। जगदीश सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी परीक्षा पोस्टपोन करके एक नई परीक्षा तिथि का भी ऐलान कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, यानी 27 मार्च को ये परीक्षा आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी एग्जाम कैलेंडर को लेकर के, यहाँ से देखते हैं। वैसे तो आयोग ने आज 2-3 नोट्स जारी किए हैं, आप देख सकते हैं। रिजल्ट जारी किया गया है एडवर्टाइज नंबर 4/2014-15 टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेक्चरर प्लास्टिक मॉडल, उसके साथ आप रिजल्ट 2 डायरेक्टर जनरल परफॉर्मिंग आर्ट, इसका भी रिजल्ट जारी किया गया असिस्टेंट का एग्रीकल्चर। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम सभी लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ है ना, यहाँ से पूरा कैलेंडर हम सभी लोग देख सकते हैं। आयोग ने पूरी इन्फॉर्मेशन जारी जो किया है लगभग, अब यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं बड़ा कैलेंडर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से लोक सेवा आयोग 2022 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर निम्नमत है। पहली बात, प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा वो 5 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं ग्रेड 2 ऑपरेटर बी प्रमाण परीक्षा ये भी 5 मार्च 2022 शनिवार है ना, 2 बार शायद हो चुका है, देख सकते हैं। वहीं प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा वो 13 मार्च को कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2022 15 मार्च मंगलवार को ही। प्रविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 शेष विषय 22 तारीख को यानी 22 मार्च को। सम्मिलित राज्य पर्व धन सेवा जो मैंने अभी आपको बताया ही, अब देखते हैं सम्मिलित राज्य पर्वत अनुसेवा मुख्य परीक्षा 23 तारीख से लेकर के जो आपकी 27 तक चलेगी। उसके साथ सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा जो आपकी होनी वो 3 अप्रैल को होगी। स्टाफ नर्स पूर्व प्रारंभिक परीक्षा 2017 पुनर्ज्ञापित जो 2022 में किया गया था उसका परीक्षा 10 अप्रैल को होना है। वहीं सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा समान चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 17 अप्रैल 2022 को होनी है। वहीं आर ओ और ए आर ओ जो आपका एग्जामिनेशन हो 24 अप्रैल को ही आयोजित कराई जाएगी। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति ये परीक्षा जो आपकी मुख्य परीक्षा होनी वो 1 मई को एवं 8 मई को कराई जाएगी है ना। आगे पशु चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 ये 15 मई को परीक्षा होगी। प्रोग्रामर ग्रेड कंप्यूटर ग्रेड भी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के, अब देखते हैं अंत प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 25 मई को कराई जाएगी आरक्षित, वो भी 29 मई को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे बात कर ले सम्मिलित राज्य पर्व अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 2022 तथा सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी पीसीएस जो प्री परीक्षा है वो 12 जून को कराई जाएगी है ना, यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे बात कर लेंगे स्टाफ नर्स जो मुख्य परीक्षा होनी है 2017 जो विज्ञापित है पुनः विज्ञापित है 24 जुलाई को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और वहीं 31 जुलाई को चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य आयुर्वेदिक यूनानी सेवाएँ परीक्षा आपकी ये कराई जाएंगी। आगे बात कर लें प्रवक्ता होम्योपैथिक स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 ये आपकी 14 जो है अगस्त को कराई जाएगी। सहायक रेडियो अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2018 ये परीक्षा आपकी 28 अगस्त को कराई जाएगी। वहीं सितंबर में 11 तारीख को आरक्षित जो है उनका किया जाएगा। वहीं बात कर लें पीसीएस 2022 की जो है वो आपकी 27 तारीख को आपकी परीक्षा कराई जाएगी, मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा नहीं, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अच्छा, विशेष परिस्थितियों में परीक्षाओं परिवर्तन किया जाएगा सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन, तो यानी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई गई है नई एग्जाम कैलेंडर को लेकर के जो लोक सेवा आयोग ने अभी जारी कर दिया। फ्रेंड्स, खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।